पूजा स्टाइल कॉर्नर। टुडेज वीडियो रिलेटेड टू टेक्सचर पेंटिंग ऑन कार्डबोर्ड। हम सबके घर पर कार्डबोर्ड स्टोर रूम में स्टोर होते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इन कार्डबोर्ड्स का हम क्या करें, तो हम इन्हें आज यूज करके कैसे एक सुंदर ब्यूटीफुल पेंटिंग में कन्वर्ट करते हैं, यही आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास कुछ बिग साइज फ्रेम्स थी जिनके कार्डबोर्ड का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम मास्किंग टेप से इन्हें चारों तरफ से कवर कर देंगे। मास्किंग टेप का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक बेस मिल जाए और टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करने पर कार्डबोर्ड फूले ना। उसके बाद हम टेक्सचर पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें POP चाहिए और उसमें हम फेविकोल डालेंगे। उसके बाद हम वाटर ऐड करके दो पेस्ट बनाएंगे। एक को हमें थोड़ा सा थिक रखना है और दूसरे को हमें थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में रखना है। लिक्विडी फॉर्म वाले पेस्ट को हमें एज अ बेस फॉर्म यूज़ करना है। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड पर एक सर्कल बना लेंगे और फिर उसके बाद बेस कोट अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो पेंट है वो ज़्यादा ना लगे, क्योंकि कार्डबोर्ड पर अगर आप डायरेक्ट पेंट अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा पेंट लगता है। बेस कोट के ड्राई होने के बाद जो सर्कल है यहाँ हमें थिक टेक्सचर पेस्ट को अप्लाई करना है। हमें इसमें कोई भी टेक्सचर हम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक स्पून का यूज़ कर रही हूँ और इसे राउंड फॉर्म में रख रही हूँ, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। टेक्सचर पेस्ट को एक शेप देने के लिए आप अपनी उंगलियों का यूज़ भी कर सकते हैं। जब टेक्सचर पेस्ट पूरी तरीके से अप्लाई हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी लेकर जहाँ जहाँ टेक्सचर पेस्ट अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ है इसको इक्वली फॉर्म में अप्लाई करें और धीरे धीरे एक इसे स्मूथ करते जाएं। उसके बाद पेंट करने के लिए आप चाहे तो स्प्रे पेंट का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन और ब्लू को यूज़ करके मैं टिल्ट ब्लू का कलर बनाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो राउंड शेप है, राउंड शेप में मैं पहले ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी। ब्लैक कलर एक एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करता है। साथ में जो हम टिल्ट ब्लू को यूज़ करेंगे वो भी एक क्लासिक लुक प्रोवाइड करेगा। हमें इस कलर को पूरी तरीके से आउट साइड अप्लाई करना है। पेंट के कंप्लीट होने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम जो ये राउंड शेप है यहाँ पर गोल्डन एक्रिलिक कलर अप्लाई करेंगे। हमें इसे इस तरीके से अप्लाई करना है कि हम उसे शेडिंग दे रहे हैं, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। आपको इसी प्रकार से पेंट करना है। फर्स्ट टेक्सचर पेंटिंग इज कंप्लीटेड। सेकेंड टेक्सचर पेंटिंग के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस यहाँ पर हम डिफरेंट शेप एंड टेक्सचर का यूज़ करेंगे। यहाँ टेक्सचर देने के लिए हम एक फोक का यूज़ करेंगे। फोक को सिंपली हमें ऊपर से नीचे तक लेकर आना है, जिससे कि हमें एक लाइनिंग टेक्सचर मिलता जाएगा। उसके बाद फिर से हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे और देन वापस से हम फोक का यूज़ करेंगे। यहाँ हम एक साथ टेक्सचर पेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद हम कोई भी टेक्सचर नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम जैसे जैसे टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करते जाएंगे फोक का यूज़ करते जाएंगे। और इस तरीके से हमारी सेकंड पेंटिंग के लिए हमें एक टेक्सचर मिल गया। उसके बाद हम इसे दो कलर, वही टिल्ट ब्लू और ब्लैक कलर करेंगे। ऊपर की साइड में ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी एंड सेकंड नीचे की साइड में टिल्ट ब्लू का यूज़ करूंगी। पेंट कंप्लीट होने के बाद सेम यहाँ हम गोल्डन कलर का यूज़ करेंगे। जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ आपको भी इसी प्रकार से पेंट को अप्लाई करना है और इस शेप में हमें सेकंड फ्रेम मिल जाएगी। थर्ड टेक्सचर पेंटिंग के लिए हम कार्डबोर्ड पर सेम टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करेंगे। टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर जो टेक्सचर देंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक कॉम। यस, इस तरीके से हम कॉम को लेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ उसे लेकर आएंगे।
आप चाहे तो यहाँ पर भी फोक का यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर डिफरेंट शेप चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉम का यूज़ करा। पेंट करने के लिए हम सेम कलर यूज़ करेंगे, ब्लैक एंड टिल्ट ब्लू। ऊपर की साइड पर ब्लैक एंड नीचे की साइड पर टिल्ट ब्लू। शेडिंग देने के लिए हम सेम गोल्डन एक्रिलिक कलर का यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर हम पूरी तरीके से गोल्डन अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ, आपको सेम इसी तरीके से फॉलो करना है। हम चाहे तो हम इतना भी रख सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा टेक्सचर इस तरीके से चाहिए था इसलिए मैंने पूरा गोल्डन एक्रिलिक कलर कर दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इन पेंटिंग्स को हैंग करने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है। इट इज़ द फाइनल रिजल्ट।